आज मैं हूँ गोवा में, ओल्ड गोवा में सेंट ऑगस्टियन चर्च है जो आपको पीछे दिख रहा है। ये पुराना चर्च था, सेंट ऑगस्टियन चर्च, जो देखिए पूरा अब इसकी खाली एक ही पार्ट बचा है, सेंट ऑगस्टियन गिरजाघर का बुर्ज के नाम से लिखा हुआ, अवर लेडी और प्रिंस का गिरजाघर, संत अगस्टियन गिरजाघर के नाम से लोकप्रिय। ये 46 मीटर ऊंचा विशाल चार मंजिला बुर्ज घंटाघर के रूप में सेवा करने के नाम से जाना जाता था। बुर्ज और गिरजाघर 1602 ईस्वी में अगस्टियन फ्रायर द्वारा बनाया गया था। रिमेन्स का जो एक हिस्सा है वो याद दिलाता है पुरानी बिल्डिंग जो है कितनी बड़ी भव्य रही थी। इट इज़ 4-story बिल्डिंग, जैसा वो बोल ही रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, वी कैन काउंट द 4 stories देयर। और जो 5th था वो ऊपर खाली उसका एक मेहराब टाइप का होता है ना, जिस तरह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो वो चीज़ थी। कुछ स्टोन उस बिल्डिंग के, दिस इज़ द ब्लैक स्टोन गाइस, देखिए ये सब पड़े पिलर्स हैं, जिस तरह से चर्चेज में जो पिलर्स यूज़ होते थे, ये उनके ही कुछ रिमेन्स यहाँ रह गए हैं, पड़े हुए हैं। ये सब आप देख सकते हो, पहले निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रही होगी, लेकिन समय के साथ देखिए सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये बहुत हाइट है इसकी, जैसा बता रहे 47 meter हाइट है, 47 meters बहुत ज़्यादा होते हैं। सामने देखिए एक और चर्च दिखाई दे रहा है, वो हम डेफिनेटली देखने वाले हैं बाद में। यहाँ डिटेल सारी देखिए, और ये जो पिलर्स हैं ये वही कुछ पार्ट उसका बच गया, और बाकी पिलर्स जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। जो जगह है बहुत ही साफ़ सुथरी और सफाई यहाँ पे की गई है, देखने लायक बिल्डिंग है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण गोवा मंडल की ओर से यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स दी गई है। हम चर्च को हम देखना चाहें, देखिए अगर 4-story रहा था तो उसकी भव्यता ज़रूर रही होगी, लेकिन आज जो है दिस इज चैपल ऑफ सेंट विलियम्स, तो ये चर्च के अलग अलग भाग हैं और ये बचे रह गए, और बाकी जो चर्च है वो पूरा देखिए किस तरह से ढह गया। तो चर्चेज में मैंने एक ही चीज़ नोट की है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो होता है इनमें डिटेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हाइट लिए हुए होते हैं, अवर लेडी ऑफ सोरो को समर्पित वेदी। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्टैचूज रहे होंगे, वो स्टैचूज अब नहीं हैं आगे। तो हर जगह जो है ये जो आप देख रहे हैं पोडियम सा, इनमें ज़रूर कुछ स्टैचूज या दूसरी चीज़ें देख सकते हैं हम, नीचे का भाग है। और ये जो है एक शिलालेख, ये देखिए ओल्ड उसी समय का, तो कुछ पार्ट बच गया, कुछ रिनोवेट किया हुआ है, तो उसको देखा जा सकता है। इवन वी कैन सी द सम पेंटिंग्स ऑल्सो, मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। मतलब ये जो बिल्डिंग है इतनी बड़ी रही होगी, तो आप देखिए कि इसमें ना कितना उस समय विशाल का है, सुंदर लगता। तो अगर हम इससे मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर कुछ देखिए कुछ क्रिएटिव वर्क किया हुआ है। इवन वी कैन सी दिस सम पेंटिंग ऑल्सो, या दिस इज सम पेंटिंग इज देयर। और इसी तरह से चर्च के दूसरे भाग हैं, देखे जा सकते हैं। बिल्डिंग धीरे धीरे गिर गई, ठीक है। चर्चेस में जो मेन फंडा होता है वो उसकी हाइट ही बहुत ज़्यादा रखी जाती है, और जब ये यही कई बार रीज़न होता है कि जो चर्च गिर जाते हैं, तो बिकॉज़ बेस इनका जो है उतना वैसा नहीं क्रिएट किया होता है। ये देखिए केलू से बनाए हुए ये गिरा हुआ है,
उसको एज इट इज़ प्रिजर्व करने के हिसाब से जो रखा गया है यहाँ पे। इन जो जगह हैं इनको मैं 100% बता सकता हूँ कि इन पे स्टेचूज थे और वो सब अट गए। ये देखिए ओरिजिनल पार्ट है जो ग्लास के अंदर रखा हुआ है। एंड सबसे हाइट वाली पोजीशन वही है सामने, तो ये वाली 4 स्टोरी है ऊपर दिखा रहे हैं बकायदा। बस यही है सेंट ऑगस्टियन का चर्च। बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ये बात पक्की है कि ये चर्च जब अपने भव्यता में रहा होगा तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आर्किटेक्चर होता है आप यकीन माने कि इतनी उसमें जब मन से उसको बनाया जाता है और जब चीज़ें हम उसको हिस्टोरिकल व्यू ही देख पाते हैं तो चीज़ें जो हैं बड़ी अलग तरह से नज़र आती। सो गाइज ये था सेंट ऑगस्टियन चर्च इन गोवा, इन ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा में ये चर्च है और सेंट ऑगस्टियन टावर के नाम से हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन ये चर्च था, ठीक है ना। अब खाली एक टावर जो है बचा है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ये टावर जो आप देख पा रहे हो ये वाला जो हाइट है बस यही है, बाकी दीज आर द रिमेन्स। एंड इट इज़ वेरी नाइस प्लेस टू सी इन ओल्ड गोवा। जब भी आप आते हैं इसको ज़रूर देखें, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा BPS चौहान व्लॉग्स।